क्वेश्चन है, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 131 एंड 8253 रिस्पेक्टिवली। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 917, फाइंड द अदर। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कि दो नंबर हैं, उनका एचसीएफ और एलसीएम जो है वो दिया हुआ है। दो नंबर है जिसका एचसीएफ यहाँ पे दिया हुआ है 131 और उनका एलसीएम दिया हुआ है 8253। ठीक है, तो कहता है कि वन ऑफ द नंबर्स इज 917, फाइंड द अदर। तो कहता है कि जो दो नंबर है जिसका एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है उसमें से एक नंबर जो है वो 917 है, तो दूसरा नंबर बताइए क्या होगा। ठीक है, दो नंबर का एचसीएफ गिवन है, एलसीएम गिवन है और एक नंबर भी गिवन है, और दूसरा नंबर जो है वो पूछा गया है फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसमें गिवन क्या क्या चीज़ है वो ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर एचसीएफ दिया हुआ है, दो नंबर का एचसीएफ जो है यहाँ पर दिया हुआ है 131, और इसका एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम जो है वो दिया हुआ है 8253। एचसीएफ गिवन है, एलसीएम गिवन है और वन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, वन नंबर भी यहाँ पर गिवन है, वन नंबर जो है यहाँ पर 917 दिया हुआ है। तो एक नंबर दिया है, एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है, हमसे पूछा गया है अदर नंबर। ठीक है, हमसे पूछा गया है अदर नंबर क्या होगा, अदर नंबर क्या होगा, अदर नंबर जो है वो हमको पता नहीं, फाइंड करना है। तो अदर नंबर जो है वो हम लोगों को यहाँ से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, कौन सा होता है, तो वो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, वी नो दैट, कहेंगे वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक है, एक फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है इस फार्मूला में कि दो नंबर का गुना मतलब वन नंबर इंटू अदर नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो इस फार्मूला के आधार पे हमारा अदर नंबर का फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अदर नंबर इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा HCF इंटू LCM। ठीक है, बाई यहाँ पे अदर नंबर है तो यहाँ पे हो जाएगा वन नंबर, HCF इंटू LCM बाई वन नंबर। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट करना है। HCF यहाँ पे दिया था 131, लिख देंगे मल्टीप्लाई LCM यहाँ पर दिया हुआ 8253, लिख दिए, डिवाइडेड बाई यहाँ पर वन नंबर दिया है जो कि था कितना 917। ठीक है, इस तरीके से लिखने के बाद इसको कट करेंगे तो 917 जो है 131 से कट हो जाएगा, 131 से 917 कट हो जाएगा 7 टाइम्स में। ठीक है, और 7 जो है उससे कट हो जाएगा 8253, ये कट हो जाएगा 1179 टाइम्स में। ठीक है, यानी कि इसको कट करने के बाद जो आंसर आया है वो आया है 1179। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो चुका है, इसलिए यहाँ पे लिखना होगा, नीचे लिखेंगे, यहाँ पे नीचे लिखेंगे हेंस हेंस अदर नंबर इक्वल टू कितना है 1179। ठीक है, ये हो गया आंसर। इस तरीके से, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन बनाना हो उसको इस मेथड के द्वारा आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। बाकी अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।